आपने कोई ऐसा जरूरी ऐसे गेट से लेना चाहिए गेट से माता दीन एक व्यक्ति और है, उन दोनों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। जो सुमन चौधरी का लड़का है पंकज, वो अभी यहाँ से फरार है। उसी ने सूचना अपनी मौसी को दी थी। पुलिस अनुसंधान कर रही है, एफएसएल टीम को बुला लिया गया है, एमओबी आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है और अतिशीघ्र हम इस घटना का खुलासा करेंगे। जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो चीज़ अभी तक पाई गई है उसमें ये प्रतीत होता है कि अवैध संबंधों को लेकर घटना घटित हुई है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर करके सुसाइड हो गया? अभी एफएसएल टीम को बुलाया गया है, अनुसंधान जारी है। तो जब तक एफएसएल टीम नहीं पहुंचती तब तक हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। अनुसंधान किया जा रहा है और जो इनका लड़का था जिन्होंने सूचना दी थी वो भी मौके से फरार है, तो उसकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, मृतका का बेटा कितने साल का है? करीब 20 साल के आसपास। हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी खुलासा करेंगे इसका। थैंक यू सर। जब पिछले समय एक व्यापारी पे फायरिंग हुई, अगर उसी समय पुलिस तत्परता दिखाती तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसी घटना नहीं होती, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। और काफ़ी समय से जिस प्रकार से कोटपुतली में जो आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उसका मुख्य कारण है पुलिस की उदासीनता। और इन्हीं कारणवश अपराधी जो एक नारा लिखा होता है पुलिस थाने के अंदर, आमजन में विश्वास और अपराधी में भय, लेकिन कोटपुतली में इसका विपरीत हो रहा है, अपराधी में विश्वास और आमजन में भय। जहाँ जैसा जो चौपटराज यहाँ चल रहा है, मैं समझता हूँ कि सभी क्षेत्रवासियों को इसके ऊपर जागरूक होकर पुनः फिर से आंदोलन करने होंगे ताकि ये लोग समझ सकें और आने ऐसी घटनाएं फिर से कोटपुतली में इनकी पुनरावृत्ति न हो। लेकिन आप मौके पर पहुंचे हैं तो आपने प्रथम दृष्टया क्या देखा, क्या पाया कि क्या लग रहा है आपको इस चीज़ को? अभी तो देखिए, अब हम सब लोग आए, अभी पूरी पुलिस स्टाफ भी आया हुआ है, एसपी साहब भी आए हैं, तो अभी इसमें क्या है, कैसे क्या हुआ ये तो कुछ समय है। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर पुलिस का भय होगा, अपराधी में भय होगा, तो ऐसी घटनाएं कभी हो नहीं सकती। और जब पुलिस अपराधी में पुलिस के प्रति विश्वास होगा तो ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी, इसी वजह से ये बढ़ रही है।